अगर हम बात करते हैं कि हमने भाई चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने 9th में डिस्कस किया है, क्या है ना, तो वहीं से आप थोड़ा सा अपना बैक करो कि भाई हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसे पॉलिनोमियल ठीक है ऑफ डिग्री 1 हैविंग टू वेरिएबल। ए बी सी तो हमारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, एक्स वाई हमारे वेरिएबल्स हैं, बट इनकी जो पावर है, जो डिग्री है, वो 1 है। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ हैविंग टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल वन वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी, थ्री वेरिएबल, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कहें, 3 तरह के क्वेश्चन है बेटे, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन, आप लोग आपने 9th में भी देखा है। अब इस पे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो कहता है आपसे इसका ग्राफ बनाओ, हमने 9th में किया है। ग्राफ बनाने के लिए इसको हमने सॉल्व किया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा, तो सॉल्यूशन वाले हो सकते। फिर आपने इस वेरिएबल इस इक्वेशन को बनाने के लिए एक समटाइम्स सिचुएशन आपको मिली होगी 9th में इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, तो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास होगी। तो मेन ये 3 ही क्वेश्चन हैं इस पूरे चैप्टर के, कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड। वहां क्योंकि 9th था उसमें सिर्फ 1 इक्वेशन की बात कर रहा था, यहाँ 10th में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करता है, तो मोर देन 1 इक्वेशन और नॉर्मली 2 इक्वेशंस की बात करता है, तो 1 by 1 हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे यही कह दूं कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, आपसे कहूं इसका ग्राफ बनाओ, तो पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं बहुत सिंपल फॉर्म में। तो आपने ग्राफ कैसे बनाया था बेटे, किस तरह से हम ग्राफ बनाते थे इसका 9th में किया था, याद है कुछ या नहीं? सर x और y में से कोई एक अज्यूम कर लेते थे दैट x बी दिस, फिर उससे y निकल जाता था कुछ। अब फिर इसमें यहाँ उसके 2-3 टाइम्स मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा x1 x2 x3 निकालकर ग्राफ में डॉट से पुट करके लाइन। यस यस बहुत अच्छे शब्द, यही है। अरे भाई जरा फैन ऑन कर दीजिए, फुल पे कर दीजिए। बात यही है बेटे, बस इसमें यहाँ ध्यान रखना है एक्चुअली कि हम ये नहीं करेंगे कि हम इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में रखें और तब यहाँ एज्यूम करें, बिकॉज जैसे जैसे ये इक्वेशन टिपिकल होगी, अगर आप इसी साइड रख के वैल्यूज रखोगे तो वो फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो अच्छा होता है इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन 1 वेरिएबल। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, आइदर एक्स और वाई को आप राइट साइड ले लीजिए, जिसको भी आप करें। तो अगर सपोज करो मैं वाई को इधर ले आऊं, तो ये इक्वेशन मेरी इस तरह से आएगी 5 माइनस 1। अब वाई की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो डायरेक्ट आपको एक्स मिलेगा, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। अभी तक हम कह रहे थे कि सम ऑफ 2 वेरिएबल या एक्स प्लस वाई इज 5, नाउ हम कह रहे हैं कि एक्स इज 5 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में आ गई। तो यहाँ से हम रख लेते हैं कि भाई हमने कहा कि भाई वाई इज इक्वल टू 0 जो आप कह रहे थे, तो वाई अगर हमारा 0 है तो हमें एक्स मिल जाएगा, तो एक्स हमें मिलेगा 5 माइनस 0 इज 5। अगर वाई हमारा 1 है तो हमारे पास एक्स मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4। अगर हमारा वाई इज इक्वल टू 2 है, आप प्लस माइनस 0 कुछ भी ले सकते हैं, अगर y हमारा 2 है तो आपको x मिलेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक टेबल इस तरह फॉर्म कर लेते थे ग्राफ में रखने के लिए, तो ये हमारे पास
जिस बच्चे ने भी क्लास नहीं करी है इंशाल्लाह एक पूरा प्रीव्यू उस पूरे चैप्टर का मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। मतलब ये वाई अगर हमारा जीरो है तो 4y इज इक्वल टू जीरो, एक्स हमारा 5। तो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग कह लीजिए या डिपेंडिंग वैल्यूज। एक को आप फिक्स कर रहे हो तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वैल्यू आ रहा है। तो वाई को आपने जीरो लिया है तो एक्स आपका 5 आए। यहाँ पे भी बच्चे सब ध्यान रखें, नॉर्मली यही होता है कि हम वाई को राइट साइड लाते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं नॉर्मली, क्योंकि एक्स पहले लिखा होता है इक्वेशन, तो यही करते हैं कि वाई को ले जाओ। तो उसमें होता क्या है कि वाई पहले लिखा होता है, लेकिन टेबल जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें ऊपर एक्स होता है नीचे वाई होता है, तो समटाइम हम वैल्यूज ठीक है इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे वाई जीरो है तो उसको एक्स के कॉलम में लिख दिया, और एक्स 5 आया उसको वाई के कॉलम में लिख दिया। तो जैसे ही आपने ऐसे लिखा तो गलती हो गई। तो छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि नहीं मैंने पहले 5 को ही लिखना है। तो अच्छा है पहले 5 लिख लीजिए, वाई जीरो था कॉरस्पॉन्डिंग एक्स 5 आया है, वाई 1 है कॉरस्पॉन्डिंग 4 आया है, वाई 2 है कॉरस्पॉन्डिंग 3 आया है। यहाँ भी ध्यान रखिए जब आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकली, तो अगर आप टू वैल्यूज भी फाइंड कर ली तो भी आपका काम चल जाएगा, टू वैल्यूज, बट 3 वैल्यूज से आपको चेक हो जाएगा कि दोनों आपके जो पॉइंट आए हैं वो सही आए हैं या नहीं। जस्ट फॉर चेकिंग वी पॉइंट वी नीड 3, अदरवाइज लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स भी काफी है। तो अगर आपके पास ये टेबल आ गई 5, 4, 3 और 0, 1, 2, तो अब आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आप लोगों ने बनाया होगा कि भाई हमारे पास ग्राफ शीट पे बनाते हैं, तो इसलिए हमारा ग्राफ बनाना भी बहुत ईजी रहता है कि सर ये हमारे पास वाई एक्सिस है और सर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। नंबर लाइंस होती हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास पॉइंट होते हैं, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3 एंड सो। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है तो 4, 5। तो इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कैसे प्लेस करते हैं। तो एक्स अगर हमारा 5 है तो ये हमारे पास यहाँ एक लाइन होती है, अगर आपको याद हो तो 5 पे ऐसे वाई की लाइन जा रही होगी ऊपर, ऐसे जा रही होगी नीचे इस तरह से, और इधर ये एक्स की, तो हर जगह ग्राफ पेपर पे तो लाइंस होती हैं इस तरह से। तो अब आपने क्या करा कि मेरा एक्स 5 है, तो अगर एक्स 5 है तो आप वहां पहुंचिए जहाँ एक्स 5 है +5, तो आप यहाँ आ गए। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं वाई को, अगर वाई हमारा पॉजिटिव होता है तो फिर हम ऊपर जाते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो उतने ही स्टेप नीचे जाते हैं। ये तो मालूम है ना सबको, ठीक है। हमारा वाई है 0 तो हमें कहीं नहीं जाना, तो हम इसी को डार्क कर लेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे कि हमारा यही पॉइंट है 5, 0। अब हमारे पास क्या है, एक्स 4 है, तो एक्स 4 है तो एक्स 4 पे पहुंच गए, इसमें आपको 1 लेना है वाई, तो वाई 1 है तो ऊपर जाइए आप, तो एक स्टेप आप यहाँ पहुंच गए 1, तो ये आपका पॉइंट आ गया 4, 1। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 पॉइंट भी होते हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये दोनों पॉइंट सही है या नहीं, क्योंकि 2 तो कोई से भी लाइन बन सकती है, तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेगा, तो इसका मतलब तीनों सही है कोलिनियर। तो 3, 2, अब 3, 2 एक्स को 3 लीजिए तो वाई आप 2 लेंगे तो 2 पॉजिटिव है, 2 स्टेप ऊपर, तो यहाँ कहीं 3, 2। तो मेरा कहने का मतलब यही था, अगर ये 3, 2 सपोज करो आप बच्चे यहाँ आ जाता, ये मेरा पॉइंट आता 3, 2, अब 2 पॉइंट तो पड़ रहे हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे, और तीसरा जा रहा है आउट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी। लेकिन अगर तीनों ही एक लाइन पे हैं तो इसका मतलब हमारा 100% करेक्ट है कि हमने ग्राफ के पॉइंट्स सही लिए, तो इसलिए 3 से हम चेक कर लेते, तो इन तीनों को मिला देंगे। तो ये है ग्राफ, इतना ही समझिए, बेसिक कह लीजिए या उसकी जो नॉलेज चाहिए मुझे 10th में भी इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बस होगा कि आप सिस्टम की बात करेगा, एक इक्वेशन की बात नहीं करेगा, एक से ज्यादा की बात करेगा। जब आप ऐसा ग्राफ बना लो तो आप उसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दो, तो आपने यही लिख देना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आप ध्यान रखिए आपका जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ इतना ही चेक करेगा जो जितना आपको नजर आ रहा है, उसे फिर ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं। वो क्या करेगा, जो आपने पॉइंट्स लिए हैं वो देखेगा, वो पॉइंट्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे 5, 0 है तो अगर मैं यहाँ एक्स को 5 रखूँ, वाई को 0 रखूँ, तो देखूँ 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4, 1 है
तो अगर x मेरा 4 है, y प्लस 1 है, तो 4 प्लस 1 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। x अगर 3 है, y 2 है, तो 3 प्लस 2 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारे हमारे पास यहीं से हमें पता चल जाता है। फिर हम प्लेस करके देख लेते हैं कि हमारे लाइन पे आ रहा है नहीं आ रहा, तो दैट्स इट, इतना ही। अब हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ समझिए, यहाँ आपका 10, ये नॉलेज चाहिए थी, बेसिक चाहिए थी। अब 10th में देखिए होगा क्या, आपसे क्या करेगा कि हमसे क्या कहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या सिस्टम की जगह आपसे कहेगा पेयर ऑफ लीनियर। अच्छा, मैं इसमें एक बात और आपसे कह दूं कि ये हमारे पास अगर ग्राफ है, तो आपने 9th में किया भी था, आपसे कहा था उसने कि फाइंड टू मोर सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे लाइन है, लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर इस पे और पॉइंट्स हम देखें कहीं पे भी, मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं ये वाला पॉइंट देख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए एक्स कितना है, 2, वाई कितना है, 3, तो ये हमारा 2 3 हो गया। मैं एक और ढूंढ लूं, सपोज करो मैं ये ढूंढ लूं, तो एक्स इसके लिए 1 है, 1,3, 1,4, 4, यस। तो वी कैन फाइंड सो मेनी सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह दें या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह दें, हम कहते हैं इसको सॉल्व करो। तो सिंपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज करो मेरे पास मोर देन वन इक्वेशन को हम सिस्टम कहते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो यही हो गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सपोज करो, और आपसे क्या कह रहा है, 3x-2y इज इक्वल टू, ठीक है सर, सपोज करो हमारे पास क्या था, ये भी हम 5 ही ले लेते। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन, आपसे कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली। तो पहले तो सिस्टम मतलब मीनिंग समझो, क्या कह रहा है आपको, सॉल्व कह रहा है ग्राफिकली इसको सॉल्व करो। अब पहली बात तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल है एक्स और वाई, तो जब हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमें एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यूज हमारे हिसाब से क्या हो गया, हमारे हिसाब से हो गया कि लाइन्स पे जो पॉइंट है वो, ग्राफ की अगर हम बात करें। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं सर, हम अगर इसी इक्वेशन की बात करें कि भाई हम पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उसपे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। हम दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे तो दूसरी लाइन आएगी, अगर दूसरी लाइन आएगी तो उसपे जितने पॉइंट्स होंगे लाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे वो ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता हो, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, द कॉमन पॉइंट विच लाई ऑन बोथ द लाइंस या विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, तो दैट इज कॉल्ड अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर हम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, मैं भी पॉसिबल तीन इक्वेशन दी हूँ, अगर तीन इक्वेशन दी हूँ और वो तीनों एक ही पॉइंट से जा रही हूँ, तो वो जो कॉमन पॉइंट होगा वो इन तीनों लाइन का सॉल्यूशन है। तो हमें सिंपली करना क्या होता है, हमें ये करना होता है कि हम दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दो लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमें ये देखना होगा कि कोई कॉमन पॉइंट है क्या, कॉमन का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है बेटे, तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 3x-2y = 5, तो एक क्वेश्चन यहीं का यहीं कर लेते हैं, जरा 3x-2y = 5 का भी ग्राफ बना लेते हैं। अब मैंने जैसे आपसे कहा था बेटे, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख के वैल्यूज रखोगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी, सपोज करो वाई को 1 रखूँ तो पहले वाई को 1 यहाँ 3x-2, फिर 2 को उधर ले जाऊँ, फिर 3 से डिवाइड करूँ, तो एक लेंथी कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके लिए ईजी होता है। तो आप जरा इस इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करना शुरू करिए। तो इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैंने जैसे कहा था वाई को ही नॉर्मली इधर ले जाते हैं, अब देखो ये माइनस में है तो अच्छा होगा माइनस वाले को इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 की हम बात कर रहे हैं, ऊपर हम मान रहे हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है इसलिए मैं उसको दोबारा से नहीं कर रहा हूँ 1 को, तो इसी ग्राफ को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 3x-2y = 5 है ना, इक्वेशन 2 से हम सॉल्व कर रहे हैं,
थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस टू वाई, थ्री से डिवाइड कर दीजिए बेटे, तो फाइव प्लस टू वाई बाई थ्री। अब देखो, अब वाई की वैल्यू हम राइट साइड रखते रहेंगे, एक्स की वैल्यू आती रहेगी। अब जरा आप सब बच्चे देखो, यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब हम वैल्यू रखें कुछ भी, सपोज करो मैं कह दूं वन ही रख दो, तो टू वन जा टू प्लस फाइव सेवन, सेवन बाई थ्री, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप कुछ ये सोच लो पहले कैलकुलेशन करने से पहले कि मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो थ्री से डिविजिबल हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं अच्छी रख पाऊंगा। अब थ्री से डिविजिबल कौन हो सकता है? थ्री से डिविजिबल थ्री हो सकता है, सिक्स हो सकता है, नाइन हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो जैसा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ थ्री, तो क्या मैं वाई को माइनस वन रख दूं बेटे? वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो आपके पास एक्स क्या आएगा बेटे? एक्स आ जाएगा फाइव प्लस टू इंटू माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू होता है, फाइव माइनस टू थ्री होता है, थ्री बाई थ्री वन होता है। यस और नो? यस सर। इकरा समझ में आ रहा है? हाँ बेटे, yes, समझ में आया क्या? आप खुद ये सोच लीजिए कि थ्री से कौन डिविजिबल हो। जैसे अब मुझे नाइन लाना है, तो नाइन लाने के लिए मैं वाई को क्या लाऊं? फाइव तो मेरे पास पहले से, वाई को टू ले सकते हैं, वाई को टू ले सकते हैं, शाबाश। तो वाई इज इक्वल टू आप टू लेंगे बेटे, तो एक्स आ जाएगा, शाबाश। अगर हम इस तरह से सोचेंगे ना, तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो टू टू जा फोर, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन बाई थ्री इज थ्री। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे टू वैल्यू से मेरा काम चल जाता है, थर्ड वैल्यू जस्ट फॉर द चेकिंग। मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने सही पॉइंट्स निकाले। आइए बेटे, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया बेटे, हम फिर इसका टेबल बनाएंगे। ये हमारा एक्स है, ये वाई है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ध्यान से रखना है, मैंने आपको बताया कहाँ गलती करते हैं। तो वाई बेटे माइनस वन है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वन है। ये क्योंकि डिपेंड्स करते हैं, दैट्स व्हाई दीस वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वैल्यूज। अगर हमारे पास वन वेरिएबल होता है तब वो इंडिपेंडेंट होता है। हमारा वाई अगर टू है तो एक्स हमारा थ्री। तो जरा इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वन वाई माइनस वन, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को। तो एक्स हमारा वन कहाँ है बेटे ग्राफ में? एक्स हमारा वन यहाँ, और वाई माइनस वन है। तो y अगर माइनस वन है तो ये हमारे पास लाइन जा रही है, तो हमें कहाँ जाना है? नीचे माइनस वन के लिए एक स्टेप। तो हमारा ग्राफ जो होगा वो यहाँ पहुंच जाए, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम वन माइनस वन। ऑन ड्रेसिंग टेबल की ब्रॉज पे चलो, तो ये हमारा पॉइंट आ गया बेटे वन माइनस वन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा हम ले लेते हैं थ्री टू, तो एक्स थ्री वाई टू, तो ऑलरेडी थ्री टू हमारे पास पॉइंट है, यस और नो? हाँ भाई, थ्री टू तो हमारे पास पहले से ही है। yes. ये हमारा थ्री टू है बेटे, और ये हमारा वन माइनस वन। अब इसको मिला दें तो हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी, ये हम मिला दें ऐसे, और इस पे भी मैंने जैसे अभी आपसे कहा था इक्वेशन लिख देते हैं, थ्री एक्स माइनस 2y is equals to 5. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। अब अगर आपसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अब यहाँ देखो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गए, दो क्या तीन क्वेश्चन और अच्छे बन गए इसी एक क्वेश्चन से, तो आपको आइडिया मिल जाए, क्योंकि मैं आइडिया ही देना चाह रहा हूँ कि जिससे कि आपको आइडिया हो तो आप स्टार्ट ले सको कम से कम चैप्टर में, फिर जो जो डाउट्स आएंगे उसे क्लियर करें, तो इस पिक्चर से कुछ और भी चीजें सामने आ जाएंगी। अब आपसे मैं कह रहा हूँ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, तो जो हमारे पास इक्वेशंस है, हमारे पास जो लाइंस हैं उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो ये मेरे पास एक लाइन है 3x minus 2y is equals to 5, ये मेरे पास दूसरी लाइन है, ठीक है, x plus y is equals to 5। तो इसके इंडिविजुअल सिस्टम को जो इसके ऊपर पॉइंट्स हैं वो हैं, लेकिन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा बेटे वो कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इज देयर एनी कॉमन पॉइंट? हाँ भाई, इन दोनों के लिए कोई कॉमन पॉइंट है? यस सर। कौन सा है? थ्री कॉमन टू सर, थ्री टू। तो ये थ्री टू जो होगा सॉल्यूशन लाएगा इस सिस्टम का, लाई ऑन बोथ द लाइंस। तो आप कह सकते हो, आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो थ्री टू इज द सॉल्यूशन आंसर, जो भी आप कह लीजिए।
आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू टू इज द सॉल्यूशन। सब बच्चों को बात समझ में आई कि आपको इक्वेशन से टेबल बनानी है, टेबल को ग्राफ पे प्लेस करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं तो ये देखना है क्या वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द पॉइंट लाई ऑन बोथ द लाइंस इज कॉल्ड द सिस्टम और सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम या सॉल्यूशन ऑफ दिस पेज। इकरा इज दिस क्लियर? ठीक है बेटे, अब देखो जरा इसी ग्राफ से एक चीज और आ जाती है। आपसे क्या कह देते हैं, आपसे कह देता है शेड द ग्राफ फॉर्म बाई दीज टू लाइन्स विद एक्स एक्सिस, या मार्क द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई दीज टू लाइन्स एंड विद एक्स एक्सिस। तो आपसे ये भी कह देता है कि जो हमारे पास ये टू लाइन्स हैं और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उससे जो फॉर्म होके ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करो। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि भाई हमारे पास ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? हाँ भाई, एक्स एक्सिस के साथ, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, एक्स एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइनों के साथ। तो हमारा ग्राफ जो बन रहा है, अगर आप सब बच्चे देखेंगे, ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, सिर्फ ट्राइंगल देखना, ये हमारे पास लाइन, ठीक है सर? तो ये हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। आप चाहो तो इसके नाम लिख सकते हो, एक तो हो गया थ्री टू, एक हमारे पास यहाँ यहाँ पॉइंट आ रहा है बीच में शायद ये, तो ये हमारे पास हो सकता है कह लीजिए 0.50, एक्स हमारा 0.5 आ रहा है कोमा जीरो, और एक हमारा आ रहा है 50, ये हमारे पास, ठीक है सर? तो ये थ्री जो है वर्टिसेस हैं। अगर आपसे सेम इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस द ट्राइंगल फॉर्म, ठीक है, बाय दीज टू लाइंस विद वाई एक्सिस, बता सकता है कोई बच्चा कि वाई एक्सिस के साथ ग्राफ कहाँ बन रहा है, वो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? सर यहाँ साइड में ये जो ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल बना है ये पूरा वाई एक्सिस के साथ बना है। तो इसके जो वर्टिसेस होंगे वो ये होंगे, ये यहाँ पे जो कट कर रहा है ये और थ्री टू यहाँ भी होगा, ठीक है सर? तो ये हमारा ग्राफ होगा। ध्यान से सुन लीजिए बेटे, आपसे कभी कभी एरिया भी निकलवा लेता है। तो एरिया कैसे निकालोगे जहां पे, ठीक है, मान लीजिए अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा बेस सर, है सर, ये क्वेश्चन हमारे 9th के फाइनल्स में आया था बेटे। हाँ, तो इसी तरह से पूछते हैं वो, आपके 9th के लेवल का तो नहीं है। एक्स एक्सिस में ट्रायंगल बोला था कि क्या, मतलब बोला था कि ग्राफ बनाकर उसमें वैल्यूज पुट करके क्या शेप आती है, वर्टिसेस। जी शाबाश। तो बेटे आपसे यहाँ ट्राइंगल का एरिया भी निकलवा लेते हैं। तो अगर एरिया निकलवाएगा तो हम सिर्फ सीधा सीधा था एक्स वाई एक्सिस पे ही मिलता है वो। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेंगे तो सिर्फ डिस्टेंस मेजर करना है भाई, 1, 2, 3, 3.5, तो बेस हमारा हो गया 3.5 और हाइट हमारा ये है। अगर हमें यहाँ वर्टिस मिल रहा है तो उसके लिए वाई टू है, तो वो हमारा टू हो गया। तो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया भी निकलवा सकते, तो टू से टू कैंसिल, तो 3.5 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा बेटे एरिया। तो इसी एक चीज के अंदर हमारे इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, पर प्लीज दोबारा से सुनिए। एक्चुअली मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ से मेरा लीनियर इक्वेशन एक तरह से स्टार्ट होता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम कह रहे हैं टू इक्वेशन को, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे भी लिखते हैं बट हम जनरली जो यूज करेंगे अपनी इक्वेशन को वो हम ऐसे यूज करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी राइट साइड। तो दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सपोज आई हैव सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, या फिर मैं आपसे कहूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, मैं आपसे ये कहूँ। अब जरा आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखें, आपके से क्या कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो, और सॉल्व भी किससे करो, ग्राफ से करो। तो अगर हमसे सॉल्व करा रहा है ग्राफ से, तो प्लीज आप सब बच्चे मुझे बताइए, जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, सर्कल आता है,
ट्राइंगल आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अपनी बुक्स लेके ये है मेरे पास, बुक्स लेके बिल्कुल नहीं आ जाइए, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है जी। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा, अब आप कह रहे हो टू इक्वेशन है, तो टू इक्वेशन में टू स्ट्रेट लाइंस बनी, तो फॉर टू इक्वेशन टू लाइंस, बट ध्यान देख लीजिए, फॉर टू लाइंस देर आर थ्री पोजिशन, थ्री पॉसिबिलिटीज, क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटे। हो सकता है आपके पास जो दो लाइंस हैं वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इट मींस देयर इज ए कॉमन पॉइंट, तो वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। बट हो सकता है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही, तो नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब पैरेलल लाइन, एंड मे बी पॉसिबल कि दोनों लाइन का ग्राफ एक ही आए। अभी देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस में कि हमारे पास एक ही ग्राफ आएगा, इक्वेशंस अलग नजर आ रहे होंगे लेकिन उनका जो ग्राफ बनाएंगे तो वो एक ही होगा। तो हो सकता है बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो फॉर टू लीनियर इक्वेशंस वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री सिचुएशंस, वन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वी हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एक लाइन पे सॉल्यूशन है वो दूसरे का नहीं है, और जो दूसरे लाइन पे है वो इसका नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तो हम इस सिस्टम को कहते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आते हैं और बोथ द इक्वेशंस एक ही लाइन आती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई जितने भी पॉइंट्स हैं वो दोनों इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, और एक लाइन पे मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो अब हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम ग्राफ से ये चीज चेक कर सकते हैं कि कब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, कब हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी, कब हमारी कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। जरा मैं एक एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस का आइडिया हमारे पास मिल गया है, जो हमने अभी ग्राफ बनाया था उसमें हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का था, तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन था। अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है और यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो जिस सॉल्यूशन में हमें आंसर मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ये टर्म्स यूज होंगे आपके पास चैप्टर में, कंसिस्टेंट सिस्टम, और इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। आपस में इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन मिला है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। नो सॉल्यूशन में नहीं मिला है, मैनी सॉल्यूशन पे भी मिल रहा है, तो इसे भी कंसिस्टेंट ही कहेंगे। तो जरा देखो, मैं अगर आपसे कहूं, सपोज करो बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x plus y is equals to 5, जस्ट रफली ही बनाऊंगा मैं, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, मेरे पास है सपोज करो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, ये मेरे पास है। तो मेरे पास क्या हो गया, अभी हमने ड्रॉ किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव कहीं यहां से जाएगा, फाइव जीरो से और जीरो फाइव से, तो कहीं हमारा ये ग्राफ आएगा,
तो ये हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आप सब बच्चों को एक अच्छी सी चीज बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको ग्राफ बहुत फास्ट ड्रॉ करना है तो पहले एक बार x को जीरो कंसिडर करो, एक बार y को जीरो कंसिडर करो, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे x एक्सिस पे y एक्सिस पे। देखो जैसा मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो जरा कोई बच्चा बताएगा मुझे, अगर मैं x को जीरो मान लूं, x को क्या मान लूं, जीरो, तो y मेरा कितना आएगा? 5 आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। बेटे x को जीरो मानोगे तो x वाली टर्म तो हो गई खत्म, बहुत इजीली कैलकुलेट होता है, x को जीरो रखते ही 3 × 0 इज जीरो, तो 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो y हो जाएगा 2/3, तो x जीरो जो होता है वो y एक्सिस पे होता है, और y हो गया 2/3, 2/3 का मतलब 0.6। सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, ये है मेरा 1 और यहाँ बीच में होगा 0.5 और इससे ऊपर थोड़ा सा 0.6 हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे थोड़ा और इजी होगा, और ये तो मैं ऐसे ही एग्जांपल उठा लिया, तो कहीं से मैं आपसे कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2/3, नियरली यहाँ आ रहा है यहाँ। अब जरा आप सब बच्चे इसी में ही y को जीरो रख के देखो, अगर y को जीरो रखोगे तो y वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी और 3 अपॉन में आ जाएगा, तो x 2/3 हो जाएगा, तो ये भी कहीं पे यहीं पे आएगा। अगर ये मेरा 1 है सपोज करो और यहाँ कहीं 0.5 है, तो उससे थोड़ा सा आगे 0.6 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 2/3, 0। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे बेटे, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, देखो, तो दोनों लाइन कैसी आ रही हैं? पैरेलल लाइन, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो देयर विल नॉट बी एनी कॉमन पॉइंट, there will not be any solution of this system. तो अगर lines हमारे पास parallel आती हैं, तो हम कहते हैं it is no solution system. ठीक है? तो हमारे पास क्या आ गया? No solution. एक और देखो जरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक equation है x plus y is equals to 5. ये मेरे पास है। और दूसरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ सपोज करो अभी हमने लिया था 3x plus या चलो 3x plus 3y is equals to 50, ये मतलब आप जरा ध्यान से देखोगे, इक्वेशन दो नजर आ रही हैं, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन दो नजर आ रही हैं, लेकिन क्या दूसरी वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, ठीक है? तो यही होगा, एक इक्वेशन दिया होगा, दूसरा उसका मल्टीपल दिया होगा, मल्टीपल किसी से भी कर सकता है, 2 से, 3 से, 1.5 से, फ्रैक्शन से, तो इसका ग्राफ ऐसे ही आना है। आप दोनों के पॉइंट निकालोगे, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, आपने अभी x plus y is equals to 5 की इक्वेशंस बनाई लिए दो बार, ये हमारी पहली इक्वेशन आ रही है, ध्यान से अगर आप बनाओगे तो दूसरे भी पॉइंट्स इसी पे आएंगे, तो दोनों लाइन्स एक ही बनेंगी, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, अगर सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे तो हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर इसमें एक ही इक्वेशन को डिवाइड करना या दोनों को करना जरूरी होता है? डिवाइड मतलब? नहीं सर, जैसे आपने बताया ना सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड नहीं करना सर, वो तो मैंने आपको ऐसे चेक करने के लिए कहा है, आपको तो पॉइंट्स ही निकालने हैं, आपको तो पॉइंट्स ही निकालने, पॉइंट्स कैसे निकालने हैं? जैसे आपने पहली के सेम पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं कि सेम पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, मान लीजिए आपने पहली इक्वेशन के लिए टेबल बनाई इक्वेशन 1, तो आपने क्या रखा था? सबसे इजी तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, दोनों के लिए सेम भी रख सकते हो, आपने कहा x मेरा जीरो है, x जीरो है तो y कितना आया? 5। और आपने कहा y मेरा जीरो है तो x कितना आया? आ रहा है नहीं आ रहा है? पहली इक्वेशन y को जीरो रखोगे तो x 5 बचेगा, x को जीरो रखोगे तो y 5 बचेगा, जरा इक्वेशन 2 में रख के बताओ मुझे सेम चीज, तो आप सेम पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो, डिफरेंट भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर, ठीक है। तो जैसा मैं आपसे कह दूं भाई, मैंने सपोज करो सेकंड इक्वेशन में भी क्या कर दिया, पहले मैं सेम पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ फिर डिफरेंट लेके दिखा रहा हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन में आप सब बच्चे x को जीरो रखो, तो x को जीरो रखोगे तो 3 × 0 क्या हो जाएगा? जीरो।
ये 3 into 0 0 हो गया, लेकिन ये जो 3 है इसको सिर्फ 15 को डिवाइड करूं तो 15/3 क्या हो जाएगा? 5 तो आ गया, नहीं आ गया। तो अगर आप x को 0 ले रहे हैं, x को अगर आप 0 ले रहे हैं, y 5 आ रहा है, आप y को 0 रख के देखो, इसमें y को 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इस 3 से फिर आपको 15 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर y 0 है तो x 5 आ रहा है, तो दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही? तो दोनों से सेम आ रही है तो इक्वेशन भी सेम आएगी, ग्राफ भी सेम आया। आप डिफरेंट लेना चाह रहे हैं तो फिर आप डिफरेंट लेने की कोशिश कर लिए, एक्स को 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, माइनस में लीजिए, तो ये हमारे पास है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी और उसको हम कहेंगे सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी? यस सर। इकरा कुछ समझ में आया? हाँ जी बेटे, yes, समझ में आ रहा है कुछ जी? मुझे बता दीजिएगा जहां भी आपको लगे कि सर ये ओवरफ्लो हो रहा है, ज्यादा समझ में आ गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आप ही की वजह से क्लास ले रहे हैं, तो बेटे मुझे बता दीजिए। वेरी नाइस, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक यही था और आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन है आपके चैप्टर में एनसीईआरटी की, अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो इतना ही करना है कि आपको इक्वेशंस का टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो 3 पोजीशन आएंगी, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग है तो देयर इज वन सॉल्यूशन, आप मेंशन कर दीजिए दिस एक्स ये है और वाई ये है। पैरेलल है तो लिख दीजिए नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट है तो देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। अब जरा यहां ध्यान से दोबारा से देखिए, एक टॉपिक यहां हम खत्म करेंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास है a1x प्लस b1y, मैं इज इक्वल्स टू c1 लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और दूसरा हमारे पास है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। हमने ग्राफ बनाया इनका, ग्राफ में 3 पॉसिबिलिटीज आई, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ हम ये पता लगा सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा जी, ध्यान से देख लीजिए, ये जो हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, पहली इक्वेशन वाले को 1 कह रहे हैं, दूसरी वाले को 2 कह रहे हैं, तो ये जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं। तो हम फाइंड कर रहे हैं a1/a2। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, एक अच्छा सा टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो एक टॉपिक अभी इसमें खत्म हो जाए। और जो y के कोफिशिएंट्स हैं b1 and b2, हम उनका भी रेशियो लेते हैं, रेशियो, अभी मैं फिर बताऊंगा किस तरह से रेशियो ले रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि a1/a2 हमने ले लिया और हमने b1/b2 हमने ले लिया। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को अगर हम बेटे कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है दो ही चीजें पॉसिबल हैं। जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, a1/a2 एंड b1/b2 को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, हो सकता है ये इक्वल हो, हो सकता है ये इक्वल ना हो। तो हो अगर ये इक्वल नहीं है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसे? जैसे अभी हमने कहा था, अभी हमने जो ग्राफ बनाया, पहला अगर मैं आपसे कहूं, हमने कहा था x प्लस y इज इक्वल टू 5 और दूसरा हमने लिया था 3x-2y इज इक्वल टू 5। आप जरा बच्चे मुझे बताइए, इन दोनों इक्वेशन में a1/a2 क्या है? नॉट इक्वल। अरे a1/a2 की वैल्यू बताओ ना। 1/3। हाँ भाई, 1/3 वेरिएबल नहीं लेना है बेटे। पहले वाले इक्वेशन में x के साथ 1 है बेटे, और दूसरे वाले इक्वेशन में x के साथ 3 है,
और मुझे सिर्फ उसका रेशो चाहिए, तो ए वन अपॉन ए टू हो गया 1/3। जरा आप सब बच्चे मुझे बताइए कि बी वन अपॉन बी टू कितना है? विद साइन लेंगे बेटे, ध्यान रखना वाई के साथ वन है लेकिन नीचे वाई के साथ माइनस टू है, तो ये हमारा आ गया -1/2। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, वाई के साथ पहली इक्वेशन में तो वन है बेटे, लेकिन वाई के साथ सेकेंड इक्वेशन में माइनस टू है बेटे, माइनस टू, तो ये हो गया -1/2। तो एक हो गया 1/3 और एक हो गया -1/2। अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे, नाउ दे आर नॉट इक्वल, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो दैट्स व्हाई वी गॉट यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने ग्राफ ऊपर चेक भी किया कि भाई हाँ हमारे पास जो है ग्राफ इंटरसेक्टिंग आया था इन दोनों लाइंस का, आया था ना, तो हम अपने ग्राफ को इस तरह से चेक कर सकते हैं, बगैर ग्राफ के भी मतलब अपनी इक्वेशंस को देख सकते हैं कि इंटरसेक्ट से जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हो गया ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। मैंने आपसे कहा था दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू के, ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू। हमने कहा था दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो या तो वो इक्वल होंगे, या तो वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो अब यहाँ कह रहे हैं हम इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं बेटे प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलें, अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम बेटे कंपेयर करते हैं तीसरे वाले को, सी वन और सी टू को, और हो सकता है सी वन सी टू इक्वल ना हो। हमारे पास जो ये सी वन सी टू बचा है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर हम कंपेयर करेंगे सी वन सी टू, और हमें चेक करना है कि क्या पहले दो के इक्वल सी वन सी टू है या नहीं। तो अगर इक्वल नहीं है, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये हमारे पास आ जाएगा नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। आप खुद देखो हमारे पास जो पैरेलल ग्राफ आया था वो कहाँ आया था, ये हमारे पास था। जरा मुझे आप बताएंगे यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू क्या है? वन अपॉन थ्री। हाँ भाई सब बच्चे जरा इक्वेशंस देख लीजिए प्लीज। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो इसमें एक्स के साथ वन आ रहा है बेटे, वन। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी है वो है 3x plus 3y is equals to 2, तो उसमें x के साथ 3 आ रहा है। तो आपके पास मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मेरे पास आया 1/3, लेकिन y के साथ अगर आप देखेंगे तो y के साथ भी 1/3 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये तो दोनों इक्वल हो गए, लेकिन अगर आप c1 और c2 को चेक करेंगे तो वो आ रहा है 5/2, 5 और 2, तो ये इक्वल नहीं आया है। तो इन दिस केस व्हाट, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, लाइंस विल बी पैरेलल। सर समझ में आया? इस पे भी क्वेश्चंस भी आएंगे, कंडीशन वाले भी आएंगे, सॉल्यूशन वाले भी आएंगे, तो समटाइम हमें चेक करना होता है कि हमें सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल हो जाएं, a1 वन अपॉन ए टू इक्वल हो जाए b1 वन अपॉन बी टू इक्वल हो जाए c1 वन अपॉन सी टू, तो अगर तीनों ही चीज सेम हो जाए तो सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। Many solution, consistent system. Coincident lines. तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान करना सीख लीजिए, इसकी पहचान ही कैसे करते हैं।
दो चार मिनट का ब्रेक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि करेंगे भी क्लास एक घंटा और, तो ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू भी आपको मिल जाएगा। थके तो नहीं करा अभी? सब पूरे दिन ब्रेक ही करा दीजिए। हाँ जी, नहीं थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, टायर्डनेस कुछ हो जाए तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इक्वेशंस, आप जरा देख के बताएंगे और फिर इस पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटे, 3 मार्क्स के लिए आता है, 2 और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ओनली जस्ट बेस्ड ऑन द कंडीशंस। और इस वीडियो को देखते रहना, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया करेगा इस चैप्टर का। प्लीज सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास है, सारे बच्चे प्लीज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। सब बच्चे जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये मेरे पास फर्स्ट वाला है, इसमें A1 अपॉन A2 क्या है? 3/2। और B1 अपॉन B2 क्या है? 2/3। माइनस में 2/-3। ठीक है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 3/2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज नॉट इक्वल टू 2/-3। ये हमारा फर्स्ट है सिंपल, तो आप कहोगे यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंट सिस्टम। बात समझ में आ गया? अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो आपके पास आ रहा है 2/4, और B1 B2 की बात करूं तो -3/-6। बताओ 2/4 क्या होता है? 1/2। बताओ 3/6 क्या होता है? 1/2। क्या दोनों इक्वल हैं? Yes, sir. अगर ये दोनों इक्वल हैं तब हम तीसरे को चेक करते हैं, तो तीसरा हमारे पास क्या है? 8/9। क्या 8/9 इक्वल है इन दोनों के? Not equal. तो अगर फर्स्ट टू इक्वल हैं, थर्ड इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है। जरा थर्ड वाले को चेक करो, टांगे वांगे निकाल के ना, वो डरा रहा है। हमारे पास A1 अपॉन A2 क्या होगा? 3/2/9। ठीक है भाई, ये होगा, तो 9 को आप यहां लिख सकते हो, 9/1 है जैसे ही, तो ये इस तरह से हो जाता। तो इससे वैल्यू क्या आएगी? कुछ समझ में आया? इससे वैल्यू क्या आएगी भाई? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6। यस, अगर जरा B1/B2 को देखो आप, तो 5/3/10। तो आपके पास क्या आ गया? 5/3। ये भी 1/10। लेकिन 10 ध्यान रखना या माइनस में, तो 10 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो 5 × 2 = 10, तो 3 × 2 = 6। बस यहाँ प्रॉब्लम है कि इधर प्लस में आ रहा है और इधर माइनस में आ रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ भाई, आपके पास क्या है? आपके पास आया 1/6 और इधर आया -1/6, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं सर। नहीं है, तो अगेन आपके पास क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा फोर्थ वाला देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ, 5/-10, तो 5/-10 क्या होता है सर? -1/2, -3/6, -3/6 क्या होता है? 11/-22, क्या होता है सर? -1/2। और आर ऑल द इक्वल?
तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों के लिए भी सेम आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही चेक कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं टू से डिवाइड कर दो या टू की भी जगह माइनस टू से डिवाइड कर दो तो दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे। तो सिस्टम हैज मैनी सोल्यूशन। तो ये तो चेक करना था, इसमें एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है। देखो किस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए, सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए। एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है, फिर थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन बताऊंगा। तो दो टॉपिक आज आपके इस केस में खत्म हो जाएंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारे पास है, सब बच्चे जरा ध्यान से, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, आपसे कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको अपने आप से एक इक्वेशन लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। पहली इक्वेशन तो क्वेश्चन में दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन आप लिखो, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये है कि ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू इक्वल नहीं होना चाहिए, सी वन सी टू आप जो चाहे लिख देना। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भाई सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखूं? 4x x plus y x जी minus 4x minus 3y plus 8 या फिर plus कुछ भी 16 plus 5. 4x minus 3y क्यों लिया आपने सर? क्योंकि फिर minus में आ जाएगा तो फिर सेम ही हो सकता है ना। हमें क्या करना है, हमें ये लेना है बेटे a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल ना है। तो अगर आप सिंपल x plus y is equals to 8 भी लिख दोगे तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो भी मतलब वैसे जो आपने इक्वेशन बनाई दैट वाज क्लियर, बिल्कुल सही था, करेक्ट था। बट अगर सिंपल कोई भी इक्वेशन रखो, बस मुझे तो ये देखना है कि a1 upon a2, यहां मेरा 1 है तो 2 upon 1 और यहां y के साथ 1 है तो 3 upon 1 is not equals to, so that's it. अच्छा बताओ मुझे इसी इक्वेशन के लिए 2x plus 3y is equals minus 8 is equals to 0 पैरेलल लाइंस के लिए बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे? अब हमारे a1 a2 b1 b2 इक्वल होने चाहिए बट c1 c2 नहीं होना चाहिए। 4x plus 6 plus 6y yes शाबाश 4x plus 6y c1 c2 इक्वल नहीं होना चाहिए ना बेटे plus 3 कुछ भी लिख दीजिए सही है 2 by 4 3 by 6 इक्वल हो गए बट 8 by 3 इक्वल नहीं हुए। वेरी गुड। अब आपसे कह रहा है मैनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइंस। तो 2x plus 3y minus 8 is equals to 0 बताओ मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? 4x plus 6y plus plus करेंगे माइनस करेंगे माइनस 16 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने है ना, ठीक है बेटे। तो सब बच्चे ध्यान रखना, अब यहाँ पे कंडीशंस पे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए सब। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, ओनली 4 क्वेश्चंस यू हैव इन द होल चैप्टर, ओनली 4, ठीक है। एग्जांपल 15 एंड एग्जांपल 16 एंड 3.5 में 2 क्वेश्चन। आप मार्क करना चाहेंगे अपनी बुक पे मार्क कर लेना और मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर के, क्योंकि जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं बेसिकली, मेनली उन 4 टाइप्स में फिर एक पार्ट टाइप ये हमारा क्वेश्चन होता है। इजी है बहुत। ये देखिए बेटे बिल्कुल सिंपल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है, अगर वो हमें थोड़ा सा भी याद है तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड कराना चाहता है।
आपसे कह रहे हैं सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो ध्यान से देख लीजिए क्या लिखना होता है। बस फोर यूनिक सॉल्यूशन या सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, सिंपल इतना सा होता है। तो अब आप खुद देखिए कि मेरा ए वन कितना है यहाँ पे फोर, ए टू कितना है यहाँ पे टू, नॉट इक्वल टू बी वन कितना है यहाँ पे पी, बी टू कितना है यहाँ पे टू, यस और नो? हमें सिर्फ वैल्यूज ढूंढने, ए वन फोर है ए टू टू है, तो फोर बाई टू इज नॉट इक्वल टू पी बाई टू। अब जरा इसे सॉल्व कर लो, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो फोर इज नॉट इक्वल टू पी, यही हमारा आंसर है। बस इतना ही लिखना है, नॉट इक्वल टू को चेंज करके इज इक्वल टू नहीं लिखना है। तो आप या तो इसी तरह छोड़ दीजिए फोर इज नॉट इक्वल टू पी, या फिर आप ये कहिए फोर इज नॉट फोर, अदर देन फोर कुछ भी हो सकता है बट फोर नहीं हो सकता। तो यही मेरा आंसर है, बस टू लाइन है इतना सा। तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्या वैल्यू निकाल लोगे पी की? पी की वैल्यू तो आई है सर, और क्या वैल्यू निकालोगे? पी की वैल्यू फोर आई है सर। नहीं, पी की वैल्यू फोर नहीं आई या नॉट फोर आई? पी फोर नहीं होगा कुछ भी हो जाए। एक्चुअली क्या है, आपको ये देखना है कि भाई ये इक्वल नहीं होने चाहिए। ये जो हमारे पास है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, ये जो हमारे पास है ये, और ये जो हमारे पास है ये इक्वल नहीं होने चाहिए। अब ये इक्वल कब होंगे? अगर आपने यहाँ पी की जगह फोर रख दिया तो फोर अपॉन टू इक्वल टू फोर अपॉन टू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हम क्या कह रहे हैं भाई फोर मत रखो, आप थ्री रख दो, फाइव रख दो, टू रख दो, वन रख दो, माइनस वन रख दो, जीरो रख दो, कुछ भी रख दो बट फोर मत रखो। तो इसे कहते हैं अदर देन फोर, एक्सेप्ट फोर। अब अदर देन फोर तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, कितनी वैल्यू हम लिखेंगे? तो हम लिख ही नहीं सकते, तो बस नॉट वाली लगा देते हैं कि पी इज नॉट फोर। आ गया जी समझ में? अब जरा ध्यान से देखो एक क्वेश्चन और, ये है हमारा थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन। आपसे कह रहे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर आपसे मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो फोर मैनी सॉल्यूशन, हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, यस और नो? हाँ भाई सब बच्चे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो अब यहाँ आप क्या करोगे, आप ये फर्स्ट एंड सेकेंड लेके एक इक्वेशन बना सकते हो, आप सेकेंड और थर्ड लेके एक इक्वेशन बना सकते हो, और आप फर्स्ट एंड थर्ड लेके एक इक्वेशन बना सकते हो, चॉइस आपकी। तो अगर मैं पहले फर्स्ट और सेकेंड लेके इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा वो देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली के से ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 थ्री जा 36, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब जरा आप हमेशा ध्यान रखिएगा बेटे, अगर आपके पास टू वैल्यूज आए हैं तो टू वैल्यूज के लिए फिर आपको नेक्स्ट कंडीशन को देखना है। अगर यहाँ से सिंगल वैल्यू आता तो हम यही छोड़ देते, यही हमारा आंसर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड थर्ड को और यूज कर लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से आप सब बच्चे देख लीजिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
इस k को यहाँ लाएंगे तो 3k आएगा, इस k को यहाँ लाएंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k आएगा। 3k को एक साइड लेके आइए तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू जीरो। यहां से k कॉमन तो k माइनस 6, तो वी हैव टू फैक्टर, आइदर k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू 6। तो पहली कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था प्लस 6 और माइनस 6, और दूसरी कंडीशन में जो आंसर आया है वो आया है k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू 6। तो दोनों में कॉमन क्या आंसर आया? 6। तो हमारा जो आंसर है फाइनली वो k इज इक्वल टू 6। तो ये है हमारे पास k इज इक्वल टू 6 आंसर। तो दो क्वेश्चन तो ये थे बेटे, सिंपल से देख लो कितने छोटे छोटे से स्टेप्स हमने लिखे हैं 3 मार्क्स के लिए, 2 और 3 मार्क्स के लिए। और दो इसमें आपके एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे खुद से, क्वेश्चन में आपको शो कर रहा हूँ बट आप करेंगे, और इतना ही लिखना है बस, कंडीशन लिखनी है, वैल्यूज रखनी है। जैसा ही हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, For which of the values of A and B does the following pair of linear equation have infinite number of solution? तो पहले वाले में आपको क्या करना है, many solution के लिए, तो A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. दूसरे वाले में हमसे कह रहा है no solution. पहले वाले में infinite solution था, दूसरे में no solution. No solution क्या होता है, A1 upon A2 B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. तो इस तरह से आप solve कर लो, ठीक है सर? यस सर। अब हमारे पास जो तीसरा, आपके दो पॉइंट्स खत्म हो गए, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, तो 2 टाइप्स के खत्म हो गए, एक ग्राफ और एक कंडीशन। अब हमारे पास बचता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, पहले सॉल्यूशन में 3 क्वेश्चन थे, अब आपके पास सिर्फ 2 ही रह गए। इस बार एक उसने, उन्होंने सीबीएसई ने कट कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अच्छा, बटालियन तो बहुत सारी है यहाँ पे। शादान साहब, शादान, तोहिद, यस सर, अरे वाह, यस सर, संगे मित्रा भी हैं, संगे मित्रा जी, क्या हो रहा है? अरे तो सलमान भी हैं जी सर। ओहो, वेरी गुड। रवि, यस सर, क्या हो रहा है, रविवार को भी पढ़ाई हो रही है? Yes, अरे वाह, तो अच्छी बात, बहुत अच्छा, गुड। चलो जी आओ, चलो, देख के अच्छा लगा बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सो रहे थे, हम इकरा हैं, बस एक दो बच्चे और, चलो अच्छी बात है, ये इकरा की वजह से क्लास हो रही है, वेरी गुड। आओ जी बेटे, देखो अब आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन है बेटे, और दोनों को यही सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपसे कहता है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को या तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं या एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो जब एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो भी देखेंगे। एक हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, और एक हमारे पास था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। तो 1 by 1 देखिए बेटे, मैं दोनों चीजें आपको समझा रहा हूँ। ईजी है बहुत, ये हमारे पास है और आपसे कह रहा है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, आपसे कह रहा सॉल्व करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सब बच्चों से, बेसिकली ध्यान से देख लीजिए, अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे हो x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें कहीं पे भी दूसरा वेरिएबल नहीं, तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा है, एट में भी पढ़ा होगा कि भाई वेरिएबल्स को एक साइड ले आओ, नंबर को एक साइड ले आओ, तो फाइव इधर आके टू इधर आके सेवन हो जाएगा, थ्री एक्स और माइनस एक्स होके टू एक्स हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं एक्स विल बी सेवन बाई टू, यस और नो? यस सर। तो ये कहलाता है कि भाई अगर हमारे पास वन वेरिएबल हो इक्वेशन में तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारे पास तो टू वेरिएबल हैं, तो टू वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यही तरीका करते हैं, ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट हमने जो अभी ग्राफ में सीखा था, मैंने आपसे कहा था कि यूज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसा मैं आपसे कह दूं कि भाई किसी का भी एक्स को निकाल लो या वाई को निकाल लो, दूसरी बात ये आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो चाहे सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, गेट बंद कर लीजिए मिलान, आवाज आ रही है, वो वाला गेट बंद, आवाज आ रही है, आपकी मर्जी, आप जैसा सेकंड से भी यूज कर सकते हैं कि भाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर है तो इस माइनस वाई को हटा देते हैं, तो चलो सेकंड से ही रख लेते हैं, ईजी लगेगा थोड़ा सा, फ्रॉम टू, अगर फ्रॉम टू में वाई को मैं इधर ले जाऊं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? हाँ सर, अगर y को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या ये y प्लस फोर हो जाएगा? यस सर। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू y प्लस फोर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा, इस x की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इन अनदर इक्वेशन, क्योंकि हमने फाइंड किया है टू से, तो टू को तो अब यूज नहीं करना है, अब ये जो वैल्यू आई है एक्स की, इसको वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो आप क्या करिए, पुट इन वन, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स की वैल्यू को वन में प्लेस कर दीजिए, अगर एक्स की जगह आप वाई प्लस फोर रखेंगे तो वाई प्लस फोर, ठीक है सर, पहले से ही वहां पे वाई है इज इक्वल टू 40, समझ में आया क्या सब बच्चों को, जो आपके पास x है फर्स्ट इक्वेशन में, जो x है उसको रिप्लेस कर दिया, और किससे रिप्लेस कर दिया, y प्लस फोर से, तो y प्लस फोर प्लस y इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया सर, हमारे पास आ गया सर 2y इज इक्वल टू 14 माइनस फोर 10, 2 से डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू 10 बाई टू 5, सर उधर जाके प्लीज, तो y कितना आ गया, y कितना आ गया सर, सर आवाज आनी बंद हो गई, थक गए क्या, मुझे बता देना, y is equals to 5 आ गया, तो y is equals to 5 को सीधा सीधा थर्ड में रख दीजिए, तो वहां से आपके पास x आ जाएगा, put in third, तो यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9, ये जो आपके पास थर्ड था y प्लस 4, तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू 5 रख दिया, तो 5 प्लस 4 इज 9, तो x इज इक्वल टू 9, तो यही आपका आंसर है, x आपका 9 आया है, y आपका 4 आया, दूसरी बात ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आप अपनी इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर सही आया है नहीं, तो 9 प्लस 5 14 होता है और 9 माइनस 5 4 होता है, अगर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 9 प्लस 5 14 और 9 माइनस 4 9 माइनस 5 y की वैल्यू 5 है, इस तरह से, तो एक इक्वेशन और देखिए जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये है हमारे पास, आपको अगेन सिंपल बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन हो गई,
वन, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई टू। अगर हम वन से टी को इधर ले आए, एस की वैल्यू निकाल लें, हम यहां लिखें सिंपल फ्रॉम वन, तो एस हमारा आ जाएगा टी प्लस थ्री, ये हो गई इक्वेशन थ्री। हाँ भाई, ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यस सर। आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा एस की वैल्यू निकाल ली किसी एक इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा इजी लग रही है, सेकंड वाले में तो टांगे निकली हुई है, तो उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी लाने में, एलसीएम लेने में। तो एस की वैल्यू आ गई टी प्लस थ्री। अब इस एस की वैल्यू को बेटे, ये जो एस की वैल्यू आई है, क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया है, इसको सेकंड में रख दीजिए। तो सेकंड में एस देखो कहाँ पे, यहाँ पे एस। तो आपने क्या कहा, पुट इन टू, इस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एस की जगह हम क्या रखेंगे भाई, एस को हम किससे रिप्लेस करेंगे, टी प्लस थ्री से। तो रखो जरा बेटे, तो हमारे पास आ जाएगा टी प्लस थ्री अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स। अब जो मैं आपसे कह रहा था, सब बच्चों से मैं आपसे कह रहा था कि अब इक्वेशन में सिर्फ टी रह गया, वन वेरिएबल है, अब ये सॉल्व हो सकता है। तो सॉल्व की तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोग कर लेंगे कि भाई एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा थ्री टू जा सिक्स, टू से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू टी प्लस सिक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स सिक्स आ जाएगा थर्टी सिक्स, तो ये हो जाएगा टू टी प्लस थ्री टी फाइव टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। सिक्स को इधर ले जाके माइनस करो तो ये हो जाएगा फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स थर्टी थर्टी, t से 5 से डिवाइड कर दो तो t इज इक्वल टू 6 आ गया भाई। अब t इज इक्वल टू 6 जहां आपने ऊपर इक्वेशन निकाली थी वहां रख दीजिए सीधा सीधा। हमारा जो t की वैल्यू 6 आया है तो ऊपर हमने s की वैल्यू निकाली थी, इसको रख दीजिए थर्ड में, सीधा आंसर आएगा पुट इन थर्ड। तो अगर आप थर्ड में रखेंगे तो वहां s था टी प्लस थ्री, तो सिक्स प्लस थ्री, सिक्स प्लस थ्री क्या आ गया सर, नाइन। ये हमारे पास है, बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये हमारे पास है बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास एक सिंपल होता है एलिमिनेशन मेथड, बहुत सिंपल, ये हम रखते हैं ऐसे ही, बट इजी जिसे कहते हैं इजी एलिमिनेशन मेथड ही होता है। इसी इक्वेशन को देखिए दोबारा से सब बच्चे, और देखना कितना इजी होगा कि भाई हमारे पास क्या है। मैंने अभी आपसे कहा था कि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या है सर, हमारे पास जो दो इक्वेशंस होते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, आप सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, होगा क्या, हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जो एक्स है या वाई है उसके साथ जो नंबर आ रहे हैं कोफिशिएंट्स उनको इक्वल कर लें किसी भी तरीके से, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन को डिवाइड करें। अगर हम इक्वेशन पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये ऑलरेडी इक्वल हैं, आपकी मर्जी आप एक्स को इक्वल करो या वाई को, आप चेक करो पहले वाले इक्वेशन में भी एक्स के साथ वन है और दूसरे वाले में भी वन है, तो ऑलरेडी ये एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल है। और अगर दूसरा वाई के साथ देखोगे तो वाई के साथ पहले में भी वन है और दूसरे में भी वन है, नंबर्स माइनस में वो अलग की बात है लेकिन हमें नंबर्स को इक्वल करना है। अगर हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो आप जरा ध्यान से देखो, इधर इन दोनों इक्वेशन को अगर हमारे पास दोनों साइन सेम है, जैसे एक्स के दोनों साइन सेम है, एक्स में यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने से प्लस वाला तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करने से, तो हम क्या कर रहे हैं वन माइनस टू कर रहे हैं,
तो आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y और y 2y आएगा, और 14 माइनस 4 10 आएगा, तो सिंपली y इज इक्वल टू 5 आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए इजी होता है वहां, एलिमिनेशन मेथड जैसे वहां सब्स्टिट्यूट करके हमने वैल्यूज निकाली थी तो थोड़ा टाइम लगा था, यहाँ पे अगर इक्वेशन इक्वल है तो एज इट इज हो जाए। दोबारा से देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो सिर्फ हम ऐड कर सकते हैं, सिंपल ऐड। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए जो अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये y प्लस का है, ये y माइनस, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते हैं, तो आपके पास हो जाएगा x और x 2x, और 14 माइनस 4 10, तो x की वैल्यू 5। ये मेथड है सिंपल, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन डिफरेंट है तो ऐड कर दीजिए। सर कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? Yes, sir. दोबारा से देखिए अब हम करेंगे क्या, ये तो हमने इस तरह से कर दी, लेकिन हम थोड़ी सी क्वेश्चन लेते हैं थोड़ी सही सी। ज्यादा परेशान मत होइए, लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखो बेटे आप सब बच्चे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, पहली बात तो ये यहाँ प्रॉब्लम है। Use elimination method to find all the possible solution of the following pair of linear equations. Ikra? Yes, sir. Class में है आप? Yes, sir. ये चाय पी रहे हैं? Class में. जी? Class में है, sir. बताओ question क्या लिखा हुआ है? Sir, elimination method से possible solutions. Elimination method से कैसे solve करते हैं? सर मैं बताऊं? नहीं। हाँ भाई, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? सर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से पहले पहले दोनों को इक्वल, दोनों से नहीं तो दोनों को चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन पहले इक्वल करते हैं। आपको या तो x को इक्वल करना है या y को इक्वल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए सब बच्चे, मैं इक्वल कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे हमारे पास x में 2 है, पहली वाली इक्वेशन में x के साथ 2 आ रहा है और दूसरी वाली इक्वेशन में 4 आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं बेसिकली, तो एलसीएम आएगा 4, तो सेकंड वाला तो 4 है ही, फर्स्ट वाले को 4 कैसे करें? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 4x plus 6y is equals to 16, ये हमारे पास हो गया, और सेकंड इक्वेशन एज इट इज 4x plus 6y is equals to 7। अब हमने आपसे कहा था कि अगर आपने इक्वल किया और दोनों के साइन सेम आ गए तो आप इन्हें माइनस कर दी, सब्ट्रैक्ट, माइनस करने से साइन चेंज आ जाता, माइनस करने से साइन चेंज आएंगे, तो आप जरा ध्यान से देख रहे होंगे 4x से 4x कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, तो अगर x भी कैंसिल हो गया y भी कैंसिल हो गया तो हम आंसर किसका निकाल रहे हैं, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, फॉर व्हाट? 9 किसके इक्वल आ रहा है भाई? 0 के इक्वल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था प्लीज ध्यान से देखिए, हमें ये देखना है कि जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं उनमें सॉल्यूशन है भी या नहीं, बिकॉज एलजेब्रिकली हम सिर्फ उसी को सॉल्व कर सकते हैं, विच सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। जरा मुझे आप बच्चे बताओगे इसे कंपेयर करके कि ये सॉल्यूशन कौन सा वाला है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन? पैरेलल। पैरेलल वाला कौन सा होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है ही नहीं। आप चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन से कर लीजिए, आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर कभी कह दे तो पहले एक बार आपको आइडिया लेना है कि सिस्टम का सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे 2/4, तो 2/4 हमारा क्या होता है, 1/2 होता है, और 3/6 हमारा क्या होता है, वो भी 1/2 होता है, तो दोनों इक्वल हैं, तो सिस्टम हैज, और 8/7 इक्वल नहीं है, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते एलजेब्रिकली, हम सिर्फ इसको ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको नहीं कर सकते तो एक और करके देखते हैं फिर खत्म।
फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई. सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन. मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगा, x को भी इक्वल करके और y को भी इक्वल करके. तो पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पहले हम x को इक्वल कर लें. तो अगर हम x को इक्वल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एक में x में 2 है और एक में x में 1 है. दोनों का एलसीएम आएगा 2. तो इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से, क्योंकि हमें जरूरत नहीं था. तो हमारे पास ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे तो दैट विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. और सेकेंड इक्वेशन को 2 से करें 1 से करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आपको ये देखना है कि क्या हमारे पास x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए. हाँ भाई, x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए या नहीं? यस सर हो गए. यस सर हो गए. अगर x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, अब आपको ये चेक करना है कि दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है. मतलब दोनों सेम है, चाहे दोनों प्लस में दोनों माइनस में हो या अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, दोनों सेम है. अगर दोनों सेम है तो आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक अपोजिट साइन होना चाहिए तभी कैंसिल होगा. और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि साइन चेंज हो, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है. ठीक है, चीजों को समझा करो ऐसे ही. मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये है मेरे पास 2x प्लस 2y, ध्यान से देख लीजिए, और ये है मेरे पास 2x माइनस 3y, और मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ. तो इस तरह से ब्रैकेट से माइनस कर रहा हूँ, 2x प्लस 2y को 2x माइनस 3y से माइनस कर. तो जब मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इनर साइन चेंज होने या नहीं होने? तो बस वही हम चीज कर रहे हैं. तो ऐसे मत देखा करो, सर ऐसे कैसे हो गया कि आप कह रहे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वाई? तो देयर मस्ट बी अ रीजन. तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, अगर साइन चेंज होंगे तो फिर 2x 2x कैंसिल होगा. तो नाउ वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5y एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6. ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया सीधा सा, y इज इक्वल्स टू 6/5. y is equals to 6/5 को किसी में भी रख दीजिए, 1 में या 2 में x आ जाएगा. लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपसे. मैं आपसे कह रहा हूँ अभी हमने x को इक्वल किया था. नहीं सर, हम तो y को इक्वल करेंगे. अगर हम y को इक्वल करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की बात करें, दोबारा से यही आई है. तो हमारे पास क्या है, LCM है 3. तो हम इक्वेशन 1 को इस बार, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर, और इक्वेशन 2 को हम किसी से नहीं कर रहे. तो 3 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x plus 3y is equals to 15. और इसको हम कर ही नहीं रहे तो 2x minus 3y is equals to 4. अब जरा आप बच्चे देखिए, y का कोफिशिएंट सेम है क्या? Yes sir. लेकिन साइन कैसे है, अपोजिट या सेम? अपोजिट. तो सिर्फ ऐड करना है. अगर साइन अपोजिट होते हैं तो सिर्फ सिंपली ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास है 3x plus 2x is equals to 5x and 15 plus 4 is equals to 19. तो simply x is equals to 19/5. तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमारे पास सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर दीजिए. तो आप सब बच्चे कोशिश कर लीजिए सॉल्यूशन तक, जितने भी एग्जांपल जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकें तो सॉल्यूशन से ही आगे बढ़ेंगे. और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम तो चाहे आप लीनियर इक्वेशन की बात करिए, क्वाड्रेटिक करिए, एपी करिए, अगर वर्ड्स को पढ़ना आ गया है तो आपको इक्वेशंस बनाने हैं, और इक्वेशंस बनाने हैं और यहाँ हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिए तो इक्वेशन सॉल्व करना. तो अब ज्यादा बड़ा पार्ट आपका नहीं बचा है, तो ब्रीफ ब्रीफ छोटा छोटा सा आपका जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो ये था. ठीक है जी, समझ में आ गया? यस सर. हाँ जी डॉक्टर इकरा, कुछ समझ में आया क्या? यस सर. कुछ हेल्प मिली? यस सर. चलो जी, ऑल द बेस्ट. अब आप इसको रिवाइज करो, देख.
ओके सर। किसी और को कोई प्रॉब्लम? सर कल वाले टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 13, अभी तो मैंने देखा नहीं बेटे क्या है टेस्ट 13, कल डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके सर। चलिए सर ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।